हेलो फ्रेंड्स, अब डाइस का नेक्स्ट टाइप देखेंगे। क्वेश्चंस क्या कहता है, व्हिच डाइस विल बी मेड फ्रॉम द ओपन डाइस, कहता है किस पासे को खुले पासे से बनाया जा सकता है। देखो यहाँ पे दो डाइस दिया गया है। डाइस को अगर आप ध्यान से देखोगे स्टूडेंट्स, ये भी डाइस है, ये डाइस खुला पासा ओपन डाइस है। ओपन डाइस में क्या होता है, जो ये अलग अलग डाइस होता है, ये चारों डाइस सिंगल नहीं होता है, ये चारों अलग अलग डाइस होता है। इस कहता है ये जो ओपन डाइस है, जो खुला हुआ पासा है, इसको किससे बनाया जा सकता है, मतलब ये जो हमारा है इसमें से कौन सा डाइस से ये बनाया गया है, ये जो ओपन डाइस है वो कौन सी डाइस से बनाया गया है। इसका मतलब है यही ऑप्शन है और इसमें से हमें क्या करना है, एक को एक सही है तीन गलत है, मतलब ये जो ओपन डाइस है उससे रिलेटेड एक ही इसमें से एक ही डाइस से बनाया गया है, तो कौन से डाइस का ये ओपन डाइस है ये बताना है आपको। समझ में आ गया, मतलब कौन सी डाइस का ये ओपन डाइस है ये आपको बताना है, ठीक है। अब कैसे बताना है यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखें। अब अगर हम बात करेंगे डायरेक्ट भी अगर बना सकते हो, देखो ये अपोजिट फेस आपको पता है, जो बी के अपोजिट फेस में क्या है, ठीक है, एफ के अपोजिट फेस पे क्या होगा और डी, तो ये दोनों हमारा साइड फेस है, ये दोनों साइड फेस है, ये अपोजिट फेस नहीं है। तो यहाँ पे हम ये चेक कर सकते हैं यहाँ पे दो तरीका से। एक तरीका कौन सा चेक करने का होगा, एक तो तरीका ये होगा, जो आप क्या करो, इस डाइस को जो ओपन डाइस है इसको आप क्या करें, इसमें कन्वर्ट कर लो। एक ये तरीका है, इसमें कन्वर्ट कर लो। कैसे, यहाँ पे हमारा वर्टिकल है बी सी डी ई, इसको इसमें लिख लो बी सी डी ई, बात बराबर है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, एक में एफ हो गया एक में ए हो गया, एक में एफ हो गया और एक में ए हो गया। अब देखो यहाँ पे रोटेशन किसका किसका हो सकता है, यहाँ पे रोटेशन है बी एफ डी का, बी एफ डी का, यहाँ पे बी एफ डी का रोटेशन नहीं हो रहा है। देखो बी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, देख रहे हो बी डी अपोजिट है, जबकि यहाँ पे बी डी बगल में है, बी का अपोजिट में यहाँ पे डी दिया है, मतलब इस फेस पे दिया है, जबकि इस डाइस में यहाँ पे दिया है, इसका मतलब इस ओपन डाइस से ये डाइस नहीं बना है, क्योंकि बी एफ डी का रोटेशन पॉसिबल नहीं है अपोजिट फेस के कारण, ठीक है ना। फिर दूसरा में देखोगे यहाँ पे रोटेशन ए सी ई का है, तो ए सी ई देखते हो यहाँ पे रोटेशन नहीं पॉसिबल है, ए सी डी का रोटेशन हो रहा है, ई का नहीं हो रहा है, क्योंकि सी और ई एक दूसरे के अपोजिट में है, जबकि सी और ई एक दूसरे के बगल में है, इसलिए यह भी डाइस नहीं इससे बना है, इस डाइस से ये नहीं बना है। चलो यहाँ पे देखेंगे डी एफ ई, रोटेशन हो रहा है डी एफ ई, तो देखो यहाँ पे डी यहाँ पर है, एफ यहाँ पे रोटेशन हो रहा है, देखो डी एफ ई डी एफ ई डी एफ ई डी एफ ई डी एफ ई, तीनों बगल का फेस है, देखते डी के बगल में एफ है, एफ के बगल में डी है, तो डी के बगल में एफ है, एफ के मतलब ये इससे ये डाइस बना है। फिर देखो सी डी ई, सी डी ई देखते हो सी और ई एक दूसरे के अपोजिट फेस पर है, और जबकि सी और ई एक दूसरे के बगल वाले फेस पर है, तो इसका मतलब है कहता है किस पासे के खुले पासे बनाया जा सकता है, तो सी नंबर पासा से ये ओपन डाइस बनाया जा सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर। क्लियर हो गया आपको। चलो अगला क्वेश्चन आपको कहता है विच डाइस विल बी मेड फ्रॉम ओपन डाइस, कहता है किस पासे को खुले पासे बनाया जा सकता है। अब हम फिर क्या करेंगे, दोनों तरीका आप बना सकते हो, डायरेक्ट भी बना सकते हो स्टूडेंट। अब इस क्वेश्चन को भी आप डायरेक्ट बना सकते थे, कैसे, ऐसे करके, ऐसे आप डायरेक्ट ले लेते, कॉमन बना लेते इसको जैसे हमने बनाया, और आपको क्या हुआ, मतलब यहाँ पे बी के बगल में डी है तो बी के अपोजिट फेस पर डी है, यहाँ पे बी के बगल में डी है, यहाँ पे बी के अपोजिट फेस पर डी है, क्योंकि बी का डी अपोजिट है, सी का ई अपोजिट है, ए और एफ अपोजिट फेस पर है, तो यहां भी कैंसिल हो गया। यहां पर आप देखते हैं ए एस सी बगल में है, तो यहां पर ए और सी बगल में है, यहां पे ए ई बगल में है, यहां पे आप देखते हैं ए और ई बगल में है, यहां पे ई सी बगल में है, तो आप देखते हैं ई और सी एक दूसरे के अपोजिट में है। ऐसे भी आप क्वेश्चंस को बना सकते थे, उसी तरह से यहां भी देखोगे, चाहे तो आप दोनों तरीका को अप्लाई कर सकते हो, चाहो तो आप दोनों तरीका को अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है बी ई बी सी एफ ई बी सी एफ ई बी और सी, एक में डी है और एक में ए है। अब यहाँ पे ध्यान दो,
जैसे एफ ई बी तीनों बगल का फेस है, एफ ई बी यहाँ पे तीनों बगल का फेस नहीं है। क्यों भाई? एफ और बी एक दूसरे के अपोजिट में है, एफ और बी एक दूसरे के अपोजिट में है। देखो एफ यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, एक दूसरे के अपोजिट में है, जबकि यहाँ पे बगल में है। इसका मतलब है इस डाइस से ये डाइस नहीं बना होगा। दूसरा देखो एफ डी ई, एफ डी ई यहाँ पर एफ डी और ई, एफ डी ई यहाँ पे तीनों बगल में है। देखो एफ डी ई यहाँ पे रोटेशन हो रहा है ना, एफ डी ई यहाँ पे भी रोटेशन हो रहा है, एफ डी ई, एफ डी और ई, एफ डी ई तीनों बगल में है, यहाँ पे तीनों बगल में है, तो बी से बन सकता है। यहाँ पर देखो ई सी बी यहाँ पर है, ई सी बी यहाँ पे देखिए ई सी बी ये तीनों हमारा लगातार है, इसका मतलब ई और सी एक दूसरे के अपोजिट पे है, यहाँ पे ई और सी एक दूसरे के बगल में है। अपोजिट का मतलब क्या, ये ई का अपोजिट ये नीचे वाला, लेकिन यहाँ पे बगल वाले फेस में है, यहाँ पे अपोजिट में है, इसका मतलब सी से भी ये नहीं बना होगा। उसी तरह से डी ए ई, डी ए ई देखो डी ए ई तीनों ए और डी अपोजिट में है, जबकि डी और ए बगल में है, इससे भी नहीं बना होगा। तो हमारा किससे बना होगा भाई, बी से। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। उसी तरह से यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, क्या करेंगे, सिक्स फेस ओपन कर लेंगे, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, डायरेक्ट भी आप मैच करा सकते हो, इससे भी मैच करा सकते हो। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या कहता है, 2146, 2146, एक में थ्री है और एक में फाइव है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे क्या है। अब यहाँ पे कहता है सेम, कहता है किस खुले पासे से बनाया जा सकता है। अब देखेंगे 3 1 6 3 1 6 3 1 6 3 1 6 3 1 6 वन और सिक्स एक दूसरे के अपोजिट में है और वन और सिक्स एक दूसरे के बगल में है, इससे ये नहीं बनेगा। देखो 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 5 और 3 एक दूसरे के अपोजिट में है और यहाँ पे 5 3 एक दूसरे के बगल में है, यहाँ पे इससे भी नहीं बनेगा। 2 4 6 2 4 6 देखो 2 4 6 2 और 4 एक दूसरे के अपोजिट में है और 2 और 4 एक दूसरे के बगल में है, तो इससे भी नहीं बनेगा। 3 1 4 3 1 4 3 1 4 देखो यहाँ पे 1 3 4 1 3 4 तीनों बगल में है, देखो 1 3 4 तीनों बगल में है, तो यहाँ पे क्या किससे बनेगा, डी नंबर से बनेगा। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? अब देखो इस टाइप का क्वेश्चंस भी आजकल पेपर में आने लगे हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चंस हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना है आपको। अब क्वेश्चन में कहता है स्टूडेंट, इफ इवन नंबर डाइस हैव इवन नंबर ऑफ द डिजिट ऑन देयर टॉप फेस, देन व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ डिजिट ऑन द टॉप फेस ऑफ द देयर डाइस। कहता है यदि सम संख्यांकित मान वाले पासे, तो कौन सा पासा जिसका मान सम में हो, सम का मतलब यहाँ पे हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जो इवेन नंबर है, सम मतलब इवेन नंबर, इवेन नंबर वाला डाइस कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हो इवेन नंबर डाइस कौन सा है, ये वाला डाइस, जैसे 2 नंबर हो गया, 4 नंबर हो गया, 6 नंबर हो गया, ये तो ये वाला डाइस के पासे के ऊपरी सतह का अंक सम संख्या में हो और ऊपरी सतह का अंकित मानों का योग क्या होगा। तो कहता है जो जो डाइस इवेन नंबर में है, तो इवेन नंबर में कौन कौन डाइस आ गया, 2 नंबर आ गया, 4 नंबर आ गया और 6 नंबर आ गया। इसका कहता है ऊपर वाला डिजिट सम संख्या में हो, इसका मतलब है ये कौन सा संख्या है भाई, द सम ऑफ नंबर द अपोजिट फेस इज 7, विपरीत फलक संख्या 7 हो। कहता है विपरीत फलक की संख्या 7 होता है, कहता है इसमें टोटल विपरीत संख्या का सम जो है 7 है, जैसे यहाँ पे 3 है तो इसके अपोजिट में हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 4 3 7 6 है तो इसके अपोजिट में क्या है, 1 है। अब यहाँ पे 6 1 आ गया, 4 3 आ गया, तो बचा क्या, 5 2। इसमें कहता है जो ऊपर वाले फेस पे इवन नंबर होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए, तो 5 2 में बचा क्या, 5 2, तो 5 2 में इवन कौन है, 2 है, नीचे क्या बचेगा, 5, ऊपर क्या बचेगा, 2, 5 2 7। देखो 6 1 7, 4 3 7 और 5 2 7। कहता है कि ये जितना भी डाइस है वो दोनों अपोजिट फेस का सम 7 है सभी में। अब यहां पे भी देखो और कहता है
जितना भी सम संख्यांकित मान वाला है सभी के ऊपर वाला संख्या क्या है भाई, ऊपर में इवन नंबर है तो आप उसी को चूज कर लो। देखो 4 3 7 यहाँ पे 3 आ जाएगा, 5 2 7 यहाँ पे फिक्स हो गया इसके ऑपोजिट में। अब नीचे में क्या बता, 6 और 1 7 बचा क्या, 6 7। तो 6 क्या हो जाएगा ऊपर में हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा, क्योंकि 1 विषम संख्या है 6 हमारा इवन नंबर है। तो कौन कौन से संख्या बता रहा है, 2 नंबर 4 नंबर और 6 नंबर। तो चौथा नंबर पे आ जाओ, सारे डैश को छोड़ दो, 4 3 7 5 2 7 बचा क्या भाई, 4 3 आ गया 5 2 आ गया तो बचा 6 1। यहां पे भी 6 हो जाएगा और नीचे 1 होगा क्योंकि ऊपर में फेस हमारा सम संख्या रखना है। अब फिर फोर्थ नंबर में आ जाओ, 5 2 7 4 3 7 बचा क्या, 6 1। तो यहां पे हमें कहता है जो तीनों डाइस के ऊपरी सतह के अंक सम संख्या में हो तो ऊपरी सतह के अंकित मान का योग क्या होगा। तो ऊपर में अंकित क्या है, 6 है, फोर्थ में भी 6 है और इसमें भी 6 है। तो यहां पे क्या होगा भाई, 6 3 18 मतलब 6 × 6 + 6 + 6 6 + 6 + 6 6 + 6 + 6 = 18 मतलब 18 हो जाएगा, 18 नंबर सी नंबर। मैं फिर से समझा देता हूं, क्वेश्चन है जो जो डाइस सम संख्या में, जो डाइस का मान सम संख्या में हो, डाइस का वैल्यू सम संख्या मान मतलब डाइस का नंबर सम संख्या में हो, तो डाइस का नंबर कौन सा सम संख्या में है। तो हम देखते हैं डाइस का, यहाँ पे 6 डाइस है जिसमें डाइस नंबर 2, डाइस नंबर 4 और डाइस नंबर 6 जो हमारा क्या है इवेन नंबर में, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो इवेन नंबर में डाइस नंबर 2 आ गया, डाइस नंबर 4 आ गया और डाइस नंबर 6 है। और कहता है जो जितना भी डाइस है उसके अपोजिट फेस का सम 7 है, जो भी सारा डाइस इस पे लिखा हुआ है, जो टोटल डाइस का अपोजिट फेस 7 है। तो इसमें यह कहता है जो जो सम संख्या वाला डाइस है उसके ऊपर वाला सतह सम संख्या में है। तो अगर यहां पे 4 है तो यहां पे क्या होगा, 3 होगा क्योंकि 2 अपोजिट फेस का सम 7 है। यहां पे 5 है तो इसके अपोजिट में क्या होगा, 2 है। तो बचा क्या, 6 और 1 7। तो जिसमें 6 इवन नंबर है जो ऊपर होगा और नंबर नीचे होगा, किसमें, सम संख्या वाले में। सम संख्या दूसरा कौन है, 4 नंबर। 4 है तो इसके अपोजिट में क्या होगा, 3। 2 है तो इसके अपोजिट में क्या है, 5 5 2 7। तो ऊपर नीचे क्या बचेगा, 6 1। तो 6 हमें ऊपर रखना पड़ेगा, क्यों रखना पड़ेगा भाई, क्योंकि इवन नंबर वाले ऊपर रखना पड़ेगा। तो 1 को हमको ऑड नंबर होता है। फिर फोर्थ नंबर में आ जाओ, 6th नंबर में आ जाओ, 5 है तो नीचे अपोजिट में 2 होगा, 4 है तो अपोजिट में 3 होगा। तो बचा क्या, 6 1 7। तो 6 फिर भी इसमें ऊपर रखना पड़ेगा क्योंकि इवन नंबर है ये नीचे। तो कहता है जो तीनों के ऊपर वाले फेस का सम कितना है, तो 6 6 12 6 18। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है इफ द ऑड नंबर डाइस हैव द ऑड नंबर ऑफ द डिजिट ऑन देयर टॉप फेस, कहता देयर व्हाट द वुड बी द टोटल नंबर ऑफ डिजिट तो टॉप फेस देयर डाइस। कहता है यदि विषम संख्यांकित मान वाले पास के ऊपरी सतह का अंक विषम है तो ऊपरी सतह के अंकित अंकों का योग क्या होगा। अब देखो, पहले सम दिया था अब विषम दिया, तो विषम संख्या कौन कौन है, जो विषम संख्या वाले है ऑड नंबर वाले, 1 है 3 है और 5 है, यही 3 डाइस है। और जितना भी डाइस है इसके टोटल डाइस के अपोजिट में 7 है, ये क्लियर कर चुका है स्टेटमेंट से, ठीक है। तो कहता है जो ऊपर वाले सतह पे विषम संख्या है, अब टोटल अपोजिट में सम है तो ऊपर में हमें क्या रखना है, 1 3 5 में हमें ऊपर वाले में विषम संख्या रखना है और ऊपर वाले संख्या का सम हमें बताना है। तो 6 1 7 यहाँ पे 1 होगा, तो 4 3 7 इसके अपोजिट में 4 होगा। तो बचा का 5 2 बचा है, बचा क्या, 5 2। तो विषम संख्या को ऊपर रखना है 5, इवन नंबर नीचे आ जाएगा। फिर तीसरा नंबर में आ जाओ, 4 3 7 6 1 7 बचा क्या, यहाँ पे बचा फिर 5 2, फिर 5 ऊपर में आ जाएगा 2 नीचे आ जाएगा। फिर इसमें आ जाओ, 5 2 7 6 1 7 यहाँ पे बचा क्या भाई, 4 3 7। तो 4 में 3 ऊपर हो जाएगा और 4 नीचे हो जाएगा क्योंकि ऊपर में क्या रखना है, विषम संख्या ऑड नंबर। और इस तीनों के ऊपर संख्या का सम कितना होगा, तो इसमें 5 है, इसमें भी 5 है और 5 में 3 है,
तो 5 5 10 3 13 मतलब टोटल 13 हो गया। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी नंबर, क्योंकि इसमें 5 इसमें भी 5, 10 प्लस 3 13 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है जो डाइस 1 2 3 हैव इवन नंबर ऑफ डिजिट देयर बॉटम फेस, कहता है बॉटम में इवन नंबर डिजिट होना चाहिए 1 2 3 में, और फिर कहता है डाइस 4 5 और 6 हैव ऑड नंबर डिजिट द टॉप फेस, और टॉप में इवन नंबर होना चाहिए किस किस में? 4 5 और 6 में। कहता है दैट वुड बी द डिफरेंस इन द टोटल नंबर ऑफ द टॉप फेस बिटवीन टू साइड्स, कहता है दोनों के अपोज दोनों के ऊपर वाले फेस का सम का डिफरेंस क्या होगा। चलो हमें क्या करना है, डैश नंबर 1 2 3 के नीचे वाले सतह में अंक सम होना चाहिए। चलो तो 1 2 3 में नीचे वाले सतह पे हमारा सम संख्या इवन नंबर होना चाहिए, तो 6 1 7 7 है टोटल में, 4 3 7 तो बचा क्या भाई, 6 6 हो गया, 5 2 बचा है, तो नीचे में इवन नंबर होना चाहिए तो ऊपर में ऑड नंबर 5 आ जाएगा, 4 3 7 5 2 7 तो बचा क्या, 6 1 7 तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, ऊपर में 1 हो जाएगा, क्योंकि नीचे में क्या होना चाहिए, इवन नंबर, 4 3 7 6 1 7 तो बचा क्या, 5 2 तो 5 में नीचे 2 होगा ऊपर में 5 होगा, ठीक है। फिर कहता है 4 5 6 के ऊपरी सतह में विषम संख्या होना चाहिए इसमें, तो 4 3 7 5 2 7 तो बचा क्या, 6 और 1, एक इवन ऑड नंबर है, नीचे इवन नंबर होगा ऊपर में ऑड नंबर होना चाहिए, 5 2 7 6 और 1 7 बचा क्या, 4 3 7 ऊपर में ऑड नंबर होना चाहिए, नीचे में इवन नंबर होना चाहिए, क्या कहता है, 4 5 6 के ऊपर में विषम संख्या होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या कहता है, 5 2 7 7 3 7 इसमें बचा क्या, 6 1 7 तो एक ऊपर होगा ऑड नंबर, 6 नीचे होगा। अब कहता है दोनों के ऊपर वाले सतह के सम का डिफरेंस, तो ऊपर में क्या इतना हो गया, 5 5 10 1 11 5 5 10 1 11 11 ये हो गया, और नीचे हो गया 1 1 2 और 3 3 1 4 1 5 5 माइनस हो जाएगा, तो बचाएगा क्या भाई, दोनों के बीच का डिफरेंस 6 बचेगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस टाइप से हम सारे डैश के क्वेश्चन टॉप लेवल तक हम कर सकते हैं। अब किसी भी टाइप की क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो डैश में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। डैट्स ऑल स्टूडेंट।